बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपने पहले वाले 8 क्वेश्चन नहीं देखे तो यहाँ पे जो है वो एक लिंक आ रहा होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करके वो सारी वीडियोज जो है वो पहले वाले सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है लेकिन ट्रिकी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, कि एक जो सर्कल है उसके रेडियस का की जो रेशियो है उसके डायमीटर से किस तरह से है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक सर्कल है हमारे पास और हम उसमें देख लेते हैं कि रेडियस क्या होता है और उसमें जो है वो डायमीटर क्या होता है। तो ये हम देख लेते हैं। एक तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको हम कहते हैं सेंटर से सर्कल तक बाहरी किनारे तक जो है वो क्या होता है, रेडियस होता है। इसके अलावा एक क्रॉस लाइन जो सेंटर से गुजरते हुए जो दूसरे साइड से जाके मिले उसको हम कहते हैं डायमीटर, ठीक है। अब देखिए ये रेडियस और ये डायमीटर का आधा हिस्सा, ये बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का 1/2 होता है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा हम एक ले लेते हैं तो यहां तक ये आधा हुआ ना, 1/2। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, अब बहुत इजी हो जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर, रेडियस टू डायमीटर है, देखें रेडियस टू डायमीटर। अब हम इस रेशियो को इस तरह से भी लिख लेते हैं, रेडियस टू डायमीटर हमने बिल्कुल सीखा हुआ है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेडियस इज टू डी। ये तीन तरीके होते हैं रेशियोज को लिखने के, तो हमने ये वाला जो है वो लिख लिया, तो आर और डी। तो यहां पे आर क्या है, आर क्या होगा हमारा, आर इज इक्वल टू 1/2 डी, 1/2 डी के बराबर होता है, कि हमारा जो आर है वो किसके बराबर होता है, 1/2 डी के। अब देखें ये डी का डी आ गया और ये देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 आर, सही है। अब हम क्या करेंगे जो है वो इस फार्मूला में, हमने ये रेशो मालूम करनी है ना आर ओवर डी, तो हम इसमें डी की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो आर ओवर 2 आर, ठीक है। आर से आर कट जाएगा, ये एक आ जाएगा, तो जो रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 1/2। जो रेडियस की जो रेशियो है वो डायमीटर से वो 1/2 है, ये देख लें, अगर ये एक है तो ये इसके एक के आधे है, ठीक है। तो रेडियस और डायमीटर की जो रेडियस टू डायमीटर जो रेशियो है वो 1/2 है।